welcome to our channel Anirudh firstly. Hi. And we like to know like aapki journey itni immense rahi hai, whether it's TV or whether Bollywood, but we like to know ki how you see your life in this industry. Dekhiye लाइफ किसी भी कलाकार की एक्टर की मुझे लगता है कि वो वहाँ से शुरू हो जाती है जब वो सपना देखना शुरू करता है कि मुझे इस फील्ड में आना है. तो मेरा सफ़र तो खैर थिएटर से शुरू हुआ था और रंगमंच से सफ़र चलता हुआ जयपुर, जयपुर से फिर दिल्ली आया, क्योंकि दिल्ली जो है वो जितने भी नाटक और थिएटर वाली एक्टिविटीज़ हैं उनका एक हब है. तो दिल्ली में आया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो फैकल्टीज हैं उन सबके साथ फ्रीलांस मैंने 2-3 साल अच्छे से थिएटर किया. उसके बाद फिर मुंबई आया और सफ़र शुरू हुआ. सो सफ़र बहुत खुशनुमा है, बहुत मज़ा आ रहा है. और आज के दौर में जब वेब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, OTT पर इतना अच्छा कंटेंट आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टेलीविज़न भी कर रहा हूँ, फिल्म भी मैंने बीच में की, अभी फिर कर रहा हूँ और चल ही रहा है काफ़ी. ओके, कहते हैं कि कुछ भी अचीव करने के लिए हर किसी को एक स्ट्रगल पीरियड से गुजरना पड़ता है, तो हम जानना चाहेंगे आपकी स्ट्रगल पीरियड किस तरह रही है एंड हाउ यू टैकल इट. देखिए सच कहूँ तो स्ट्रगल तो ताउम्र है, वो रहेगा ही लाइफ टाइम. जब आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना है, तो इस क्षेत्र में आना, इस सिनेमा, टीवी, फिल्म जगत में, एंटरटेनमेंट में आना, मतलब स्ट्रगल, संघर्ष जो है वो तो आपके साथ जुड़ ही जाता है. तो वो चलता रहेगा और मुझे लगता है कि चाहे कोई एक न्यू कमर हो, चाहे एक मेरा जैसा इंसान हो जिसने लगभग एक डेकेड पूरा यहाँ पे देख लिया हो और सफ़र चल रहा हो, चाहे कोई पुराने से पुराने दिग्गज कलाकार हों, संघर्ष तो आज भी चलता है और करते रहना है, वो लाइफ टाइम करना है. लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुद का ढांढस बंधाना होता है वो एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पेशेंस जो है इस फील्ड में सर्वोपरि है. क्योंकि मुंबई शहर में आने से पहले, बल्कि मैं हर एक न्यू कमर को भी कहूँगा कि आप अपने आप को एक टाइम लाइन देकर आएँ, क्योंकि लाइफ आपकी है, जीवन आपका है, आपको देखना है कैसे आपको आगे बढ़ना है. बिकॉज 5 साल 10 साल 15 साल ये बहुत कम समय है. आज कितनी खुशी होती है कि जब पता लगा कि बच्चन साहब ने 50 साल, मतलब सोच के भी ऐसा लगता है कि, और आज भी वो जो हैं, जो उनकी एनर्जी है वो कमाल है. तो उसके लिए मुझे लगता है कि वो संघर्षरत रहे, लगे रहे, और खुद को उन्होंने इतना पक्का, इतना मोटिवेट अपने आप को करके रखा, बूस्ट करके रखा, कि आज भी उनकी एनर्जी, उनका काम, उनका पैशन, उनका जो एक एंथ्यू है, जो एक डेडिकेशन है, जो एक प्रोफेशनलिज्म है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता. ओके, टेलीविजन और बॉलीवुड की बात की जाए, लाइक दोनों आपने किया है, तो सबसे ज्यादा ट्रिकी क्या लगा, टेलीविजन में काम करना है या बॉलीवुड, एनी मूवीज और एनी सीरीज? देखिए एक कलाकार के लिए, एक्टर के लिए इनेक्टमेंट, कैरेक्टर, उसका परफॉर्मेंस वो मैटर करता है. ये एक मेरी राय है. हाँ, फिल्मों का सपना, बड़े पर्दे पे आना, वो एक सबके लिए प्रायोरिटी वाला रहता है और आप उसको तवज्जो देते हैं, आप प्रेफरेंस देते हैं और आप चाहते हैं और आपकी एक दिली ख्वाहिश होती है कि नहीं यार 70 mm बड़े पर्दे पे आना है. पहला जो मैं कहूँगा, स्टार प्लस पे एक शो था 2012 में, रुक जाना नहीं, जो कि एक BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पृष्ठभूमि पे था. तो उसमें इंदू सिंह जो छात्र नेता वाला कैरेक्टर था वो मुझे बहुत पसंद आया. हनुमान को इतना प्यार दिया है, वही लीप के बाद काफ़ी मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी आने लग गए थे कि लीप आ गया है, निकाल दिया गया है आपको और आपके साथ. देखिए निकाल देना तो शब्द जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपभ्रंश हो गया, बात कुछ और थी और लोगों को ऐसा लगा कि निकाल दिया गया. ऐसा निकालने वाली कोई बात नहीं है. हर कहानी का एक 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 सैचुरेशन पॉइंट होता है और उस पॉइंट के बाद आपको फिर आगे लाइफ में सोचना होता है, मतलब स्टोरी में, कि अब आगे क्या. तो साल भर बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने पूरा किया और बहुत तो लोगों को काम पसंद आया. तो मुझे लगता है कि अब स्टोरी में आगे ऐसा था कि अब आगे की एक जिंदगी, एक आगे का जो फेज़ है मिनी का, वो दिखाना था. तो शायद मुझे लगता है कि वहीं पे हनुमान सिंह और बबीता की ज़िंदगी जो है, उनका जो सफ़र था वो वहीं तक था. तो ऐसा है, बट जहाँ तक जितना जो रहा वो बहुत खूबसूरत रहा. एक्चुअली हमने देखा है काफ़ी ऑन लोकेशन के लिए जब भी आते थे, काफ़ी मज़ा मस्ती चलती थी पटियाला. हाँ. काफ़ी हम भी इंजॉय करते थे, मतलब
जो क्रैक्स करना हो या कुछ भी हो, बहुत मजा आता ना। अभी फिलहाल जब मतलब पटियाला पेज का सफर आपका खत्म हो चुका है, अभी भी आप अश्लूर और परिधि के साथ इन टच? बिल्कुल टच में हूँ। इनफैक्ट मैंने कल ही उनको एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने उनको थैंक्स बोला दिल से, एंटायर यूनिट को, कास्ट को, क्रू को, और मैंने उन्हें कहा कि मेरे बेस्ट को एक्टर हैं आप आज तक, और बहुत ही अच्छा लगा, कमाल का सफर रहा। तो टच में तो रहेंगे, फिर कभी मिलते जुलते रहेंगे। अभी हमने 260 एपिसोड पूरे किए, अब 300 एपिसोड की फिर पार्टी होगी, सो अगेन विल मीट अप। और बाकी तो इंडस्ट्री में इतने चीज़ें, फंक्शन, अवार्ड, पार्टी, इधर उधर सब चलता रहता है, तो मुलाकात होती रहती है। इसके अलावा जाना चाहेंगे बॉलीवुड के आपके और भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें देखने? अभी फिलहाल लास्ट ईयर मैंने एक रीजनल फिल्म की थी जी स्टूडियो सतीश कौशिक प्रोडक्शन की, तो हरियाणा बेस्ड थी वो फिल्म। एक और फिल्म वापस मार्च में हम करने जा रहे हैं, और बहुत ही कमाल की अच्छी फिल्म है जो हिंदी और हरियाणवी रहेगी। मेरी जो पहली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है वो ये रहती है कि ऐसे ही प्यार बना के रखें, जितना जो है मेरे लिए काफ़ी है। और लोग पूछते हैं कि आप इतने कमाल के एक्टर हैं, आपको अवार्ड नहीं मिला, तो मैं कहता हूँ मुझे वो अवार्ड चाहिए नहीं, बिकॉज आपका प्यार जो है वो मेरे लिए रिवॉर्ड है। दूसरी चीज़, जिन्हें तालियों और सीटियों का शौक होता है वो अवार्ड ट्रॉफियों से नहीं खेलते हैं, तो मैं उनमें से हूँ जो एक्टर रियल क्राफ्ट इनेक्टमेंट अभिनय पर अपने जोर देता है, और हर बार मैं अपने अभिनय से आप लोगों को अच्छे से अच्छा एंटरटेन करूँ, ये एक मेरी इच्छा रहेगी, और मैं उसके लिए लगातार प्रयास करता रहूँगा और अच्छे से अच्छा एंटरटेनमेंट और स्टोरीज करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, ताकि ऐसे ही आप लोग का प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध, इट वाज नाइस टॉकिंग विद यू। सेम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।